छोटी तालाब के सामने जो अग्रसेन की एक गली कहलाती है, अग्रसेन कॉलोनी की, इस कॉलोनी का सड़क का हाल देख लीजिए। इससे पहले 20 दिन पहले यहाँ इंटरलॉक की गली हुआ करती थी, उसके बाद उखाड़ के कंक्रीट की गली बनाया गया है, सीसी रोड बनाया गया है। यह रोड सारा 20 दिन के अंदर अंदर कैसे टूटा है ये सब ये बताएंगे। और ये सीवर का हाल देख लीजिए कि इसके अंदर पूरा का पूरा आदमी समा सकता है। ये नगर परिषद द्वारा सीसी रोड का बनाया गया और 20 दिन के अंदर अंदर टूट के ये बुरा हाल हो गया। इतनी निम्न स्तर की इसमें सामग्री लगाई है तो मैं जानूंगा, बताइए साहब ये गली का हाल है जी। 20 दिन के अंदर इसकी बजरी निकल चुकी है और सारा क्रेशर हवा में ऐसे उड़ता है। सबसे पहले ये इंटरलॉक की गली थी, इंटरलॉक की गली थी जी। हाँ। और हमने सिर्फ एक ही मांग थी जी हमारी कि गली जो सरकार के नियमों में बनती है वैसी गली बना दे जी, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जितना इसका लेवल है वो लेवल जेन्युइन लेवल चाहिए, ना ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची। 20 दिन के अंदर ही जैसे हमने बोला कि ये इसके आज से 10 दिन पहले बोल चुके थे ये बात, तो 10 दिन बनने को हुए थे कि ये जो गली है इसका हाल जो बुरा हो चुका है। फिर उन्होंने औपचारिकता पूरी करने के लिए इस पे पैचवर्क का काम स्टार्ट कर दिया। पैचवर्क तो पुरानी सड़क पे होता है, नई पे वही तो हमने उनको बोला कि आप पहले क्यों नहीं देखा कि ये गली खराब बन चुकी है। बोला जी कई बार हो जाता है और कुछ चीजें कई बार तो ऐसा भी हो, हमारे पास वीडियोज भी है जब माल गिर रहा था तो हम बोले ये क्या है, बोला जी सीमेंट डालना भूल गए, हम सीमेंट डाल देते हैं। अच्छा भूल गए, भूल गए, मतलब ये लेबर का काम है, ठेकेदार जो सारा दिन गलियां बनाते हैं जी जिनका ये हाल है। और फिर उसके बाद हमने आज से 3 दिन पहले दोबारा से मीटिंग हुई ठेकेदार के साथ। क्या इसकी शिकायत आपने सीएम मंडो के माध्यम से की थी? हाँ जी, वो कल ही हुई है जी। अच्छा, ये सारे एक्शन हमने कल ही लिए जी। सभी गली वालों की तरफ से शिकायतें दी गई है, अखबारों के माध्यम से भी, मेल के माध्यम से भी, सभी महकमों में। 3 दिन पहले ठेकेदार से हमारी मीटिंग ये हुई, वो आया, बोला ठेकेदार, बोला जी आप क्या चाहते हो? बोला जी हम ये चाहते हैं इस गली को हमारी ठीक कर दो जी, चाहे कैसे करो, तोड़ के बनाओ कैसे भी बनाओ, हमें नहीं पता। हमें इस चीज का पता होता तो हम कर ही लेते खुद। तो बोला जी टूट के तो बनेगी नहीं जी, इस पे माल गिरवा दूंगा। माला जी हमें वो नहीं चाहिए, अगर आप ठीक से बनाते हो तो ठीक है, नहीं हम अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। वैसे कंक्रीट की रोड के ऊपर कभी तारकोल नहीं बिछाया जाया करता, ये क्या चक्कर है, ये तो रोड ही उखड़ी हुई है इसके ऊपर। तो यही बात हमने जब उसको बोली कि भाई आप ठीक करते हो तो ठीक कर दीजिए, नहीं हम अपने स्तर पर कार्रवाई करें, तो वो कहता है आप अपने स्तर पर कार्रवाई कर लीजिए। अच्छा भाई हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, सब ऊपर तक हर महकमों में हमारी सेटिंग। जेई जेई से बात हुई? नहीं हमारी जेई से बात नहीं हुई। फिर हमने सीधा शिकायतें अखबार के माध्यम से, मेल के माध्यम से और सभी जितने हमें सोर्स पता था वहाँ हमने ये शिकायतें डाली है। ये नगर परिषद के कार्य की यानी कि देख लीजिए कार्यशैली कितनी बेकार है। ये अग्रसेन कॉलोनी कहलाती है और ये अमटी तालाब के ऐतिहासिक अमटी तालाब के सामने अग्रसेन कॉलोनी तक कहलाती है। 20 दिन के अंदर टूट के राख हो गई है, ये राख की तरह है। बहन जी बताइए क्या हाल आपकी गली? क्या बताएं भाई साहब, आप देख तो रहे हो, क्या देख रहे हैं? सारा दिन अगर धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि किसी को सांस की बीमारी भी हो सकती है। ये तो अभी से 20 दिन पहले ही तो बनी है गली? नहीं 20 से तो ज्यादा ही हो गए होंगे, थोड़े बहुत दिन तो। और घर में इतनी सफाई करते हैं तो भी इतनी धूल मिट्टी इतनी निकालते हैं, सारे सीवर में बच्चे भी कैसे जाएंगे, यानी कई साल चलनी चाहिए 20 दिन में? हाँ जी, या तो 20 दिन भी नहीं चली जब पाया गला गला करता था। है जी उसी दिन जी उसी दिन देखता गया, दोबारा बनाते हमने बहुत कहा जी। हम तो हाँ जी बताइए ठेकेदार जी, हमने ठेकेदार से कहा था ये गली सही नहीं बन रही है, तो वो कहने लगा इस गली में तो सारी चौधरायन है, लेडीज से बोलती है, जेंट्स तो है को नहीं इस गली में, ऐसा उल्टा सीधा बोला। और एमसी को भी हम कह के आए हैं कि भाई ये बात बोला है वो, और ई बोलेगा तो भाई लेडीज मारेंगे, उल्टा बोलेगा लेडीज को तो लेडीज लोगों से यानी कि अभद्र भाषा में बोला। हाँ उल्टा सीधा बोला, करा इधर की गली की तो सारी चौधरायन है, लेडीज तो बोल जेंट्स बोलते नहीं है, लेडीज से बोलती है, जब लेडीज घर में रहेंगी तो लेडीज ही बोलेगी। जब गली तो आप लोगों को लेडीजों के सामने जब गली बनेगी जेंट्स तो थोड़ी ना बैठेंगे इधर। बोलिए सबसे पहले नहीं जी सोनी है हम, सबसे पहले तो ये जो गली जब बनवाई गई है ये रात को ही बनवाई गई है, रात को बनवाई गई ये सबसे बड़ी बात, रात के अंधेरे में इसका निर्माण हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, 10 मई का ये मेरी बेटी का डॉक्टर का रिसिप्ट है, सोनाक्षी हॉस्पिटल का है, उन्होंने उसको ये बोला है कि धूल की वजह से इसको एस्थमिक प्रॉब्लम हो रही है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है। और मैं ये केस FIR भी लॉन्च करने वाला हूँ ठेकेदार के खिलाफ। अच्छा ये नई गली बनने के बाद भी ये 10 तारीख अभी ये देखिए आप ये स्कूटी गई है अभी ये धूल उड़ाती हुई जाएगी। सर साहब दिखाइएगा कि ये नई गली 20 दिन पहले का ये हाल है और ये वर्षों चलनी चाहिए। ये गली जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वर्षों का ठेका लिया जाता है कि इतने वर्ष ये गली चलेगी, 20 दिन के अंदर ये गली गली में खेलने के भी चोर हो गए हैं कि हम उनको इस हालात के अंदर कैसे बाहर भेज दें। अब आप हमको ये बताइए कि अब इस सड़क के ऊपर जो काम हुआ है इसके लिए जिम्मेवार कौन है, हमारे बच्चे हैं या ठेकेदार हैं?
ये नगर परिषद के द्वारा किया गया है? बिल्कुल जी, ये नगर परिषद के द्वारा किया गया है और हम लोग एमसी के पास भी दो तीन बार गए हैं, लेकिन उसने कोई सांत्वना वाला हमको जवाब नहीं दिया, सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है जी। ये देखिएगा नगर परिषद का कितना बुरा हाल है, जेई भी सुध नहीं लेता है, ठेकेदार महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करता है कि तुम तो चौधराइन हो यहाँ की, हैं चौधराइन क्या, ये सारा दिन धूल फाँकती रहें, नई यानी गली 20 दिन पहले गली सारी उखड़ गई, कितने निम्न स्तर की और कितने लो स्तर की क्वालिटी का यहाँ प्रयोग किया गया है, इसकी प्रकाष्ठा यानी कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा यहीं नज़र आती है। हाँ जी बताओ। बस मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमारी गली बढ़िया बनी रही चाहिए, 50 साल तक ना टूटे, बस तो 20 दिन में टूट गई। हाँ जब 20 दिन में टूट गई ना, जब तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार है ये, यो सारा यो पत्थर भी मैंने ला कर रखा 300 रुपए का। देखिए इसमें पूरा का पूरा आदमी समा जाए, 300 रुपए का पत्थर ला कर रखा मैंने, मेन रोड के ऊपर दिखाइएगा, ये पत्थर भी हमने ला कर मैंने रखवाया, ये पत्थर भी। अच्छा ये ऐसा कैसा छोड़ के, अब छोड़ के क्या, वो कोई कार गई थी तोड़ दिया किसी ने, यानी कि ऐसा पत्थर इसके ऊपर लगाया गया सी, वो टूट गया, वो भी टूट गया, लेकिन उन्होंने कोई सूद नहीं ली थी, कोई सूद नहीं। आप बताओ जी। हाँ जी बहन जी, हाँ जी, क्या चाहती हो यहाँ? हम तो ये चाहते हैं हमारी गली बढ़िया बननी चाहे, जो जी कोई दिन चल रहा गलत निर्माण किया उस पे एक्शन नहीं चाहती क्या? हाँ जी उस पे चाहे, हम तो ये चाहे उसको पता लगना चाहिए आगे के लिए। यही तो नहीं बोला जी, भगवान पे कौन जीती जानती, लुगाई मार पर तकड़ा जीती जानती, यू से बात कया ऐसे बोलता है जी, ये तो नहीं। बताओ जी, बढ़िया गली बनाओ जी हमारी तोड़ के, बढ़िया फ्रेश गली होनी चाहिए। थारी गली का नाश कर दिया या नाश के सत्यानाश कर दिया जी? सत्यानाश कर दिया, नाश कर दिया, इसको तोड़ के दोबारा बनाया जाए। और जिसने इस गली का सत्यानाश किया उस पे क्या किया जाए? अब उस पे तो बताओ जी, उस पे एक्शन किया जाए या गली तोड़ के दोबारा बनाई जाए? अच्छा देखिएगा कि जो निर्माण कार्य होता निम्न स्तर का हुआ है इस गली में, और हम भी चाहते हैं कि इसको गली को पूर्ण रूप से तुड़वा कर उसी ठेकेदार से दोबारा बनवाया जाए और उसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि इसी तरह से यानी कि इन गलियों का निर्माण होता रहा तो ये